राजनीति में दल तो मिलते हैं लेकिन कभी कभी दिल नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस और आपके बीच देखने को मिल रहा है। दोनों साथ मिलकर चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे की यात्रा या रैली में शामिल होते नजर नहीं आ रहे। क्या है पूरी खबर, समझाते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। गुजरात में आपकी रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए, लेकिन इस रैली में आपने कांग्रेस को न्योता ही नहीं दिया। आप और कांग्रेस दोनों मिलकर गठबंधन के तहत गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात की 26 में से 24 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक हफ्ते पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस ने आपके विधायक को तो न्योता दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बुलाया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ ये दोनों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, जब रैली और यात्रा में ही बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि गठबंधन तो हो गया लेकिन अभी भी कांग्रेस और आपके कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां बनी हुई है। दरअसल भरूच की रैली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया लेकिन मंच पर मौजूद इशुदान गढ़वी का नाम तक नहीं लिया था। उस दिन भी यही सवाल उठे कि आखिर दोनों दल बीजेपी के गढ़ में इस रवैये से कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे। अब मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बड़ी रैली होने जा रही है 17 तारीख को, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस रैली में शामिल होने का न्योता देती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।